ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने एथलेटिक प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक जीते। डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कनौली पानीपत में हिमाचल जॉन ऑल इंडिया एथलेटिक प्रतियोगिता करवाएगी, जिसमें भारत के समस्त डीएवी स्कूलों की एथलेटिक टीमों ने हिस्सा लिया। छात्राओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ ने बधाई दी। राज्य स्तरीय डीएवी एथलेटिक्स मीट में अपना दमखम दिखाने के बाद डीएवी हमीरपुर के छात्रों ने डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत पदक सहित 7 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। टीम के हमीरपुर स्कूल में पहुंचने पर डीएवी एचपी जोन बी के एआरओ व स्कूल मैनेजर पटनागर व चेयरमैन आनंद स्वरूप प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई और जीत को ऐतिहासिक करार दिया। बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में बबीता ठाकुर ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, तो वहीं अदिति ने लंबी कूद में सिल्वर पदक और 4x400 दौड़ में टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्कूल की छात्रा बबीता ठाकुर ने बताया कि वह 3 सालों से एथलेटिक्स की तैयारी करती आ रही है। उसने बताया कि उसे पानीपत डीएवी स्कूल एथलेटिक 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला है। उसने अपनी जीत का श्रेय शारीरिक अध्यापक तरपिस ठाकुर को दिया है और कहा कि स्कूल की प्रिंसिपल भी उन्हें खेलों के प्रति मोटिवेट करती है। मेरा नाम बबीता ठाकुर है, मैं डीए पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 3 साल से अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे तरपिस ठाकुर सर प्रैक्टिस कराते हैं। इस बार हम डीएवी नेशनल लगाने गए पानीपत में, उसमें मुझे 400 मीटर में गोल्ड आया और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपनी जीत का सारा श्रेय मैं अपने कोच तरपिस ठाकुर सर को देती हूँ और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। 10वीं कक्षा की अदिति ने बताया कि पानीपत डीएवी स्कूल में एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए गए थे और मुझे लॉक जंप की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है। जी, मेरा नाम अदिति है, मैं 10th में पढ़ती हूँ, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे कोच का नाम तरपिस ठाकुर सर है और हम डीएवी पब्लिक स्कूल पानीपत गए थे खेलने के लिए और वहाँ पे मुझे लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल आया। 11वीं कक्षा की छात्रा शिफाली ने बताया कि नेशनल जोन प्रतियोगिता के लिए डीएवी स्कूल पानीपत गए थे और रिले प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, जिसका श्रेय अपने कोच तफिश ठाकुर को देना चाहते हैं। स्कूल की छात्रा ने बताया कि एचपी जोन की तरफ से नेशनल खेलने गए थे और उन्होंने रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मेरा नाम शिपाली ठाकुर है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। हम सब नेशनल जोन गए थे हिमाचल के थ्रू और हमने रिले में सिल्वर मेडल जीता और हम सब अपना जीत का श्रेय तरपिस सर को देना चाहते हैं, वो हमें रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं। मेरा है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और हमने रिले में सिल्वर मेडल जीता। एचपी जोन की तरफ से हम नेशनल खेलने गए थे। स्कूल के शारीरिक अध्यापक तरपिस ठाकुर ने बताया कि वे 3 सालों से डीएवी स्कूल के बच्चों को एथलेटिक की प्रैक्टिस करवाते हैं। उन्होंने बताया कि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल के किसी स्कूल की छात्रा ने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं 3 साल से डीएवी एथलेटिक टीम को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस बार हम डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स स्टेट लेवल में ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर नेशनल खेलने डीए पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत गए थे। वहाँ हमने 400 मीटर में बबीता ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता, लॉन्ग जंप में अदिति ने सिल्वर मेडल जीता और डीए पब्लिक स्कूल हमीरपुर की रिले टीम जो कि हिमाचल जोन की तरफ से पार्टिसिपेट करके सिल्वर मेडल जीता। 3 साल से प्रैक्टिस करने के बाद ये मेरा सपना था कि नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आना है, वो आज साकार हुआ और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है कि एचपी जोन के लिए डीए पब्लिक स्कूल हमीरपुर ने 7 मेडल जीते और अपने स्कूल और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। धन्यवाद।
ARO व स्कूल मैनेजर भटनागर ने बच्चों की उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि बच्चों और स्कूल के स्टाफ ने बच्चों पर इस मुकाम पर पहुंचने में काफी सराहनीय काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा आगे ही ऐसे मनवाते रहेंगे। DAV ऑर्गेनाइजेशन ने DAV नेशनल स्पोर्ट्स को पानीपत में इसको ऑर्गेनाइज किया है और जिसमें पूरे भारतवर्ष के जैसे कि हमारे 1000 इंस्टीट्यूशन हैं और उस एक हज़ार इंस्टीट्यूशन से बच्चे जो है पहले स्टेट लेवल के ऊपर खेलते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर खेलते हैं। तो इस बार का जो नेशनल लेवल का जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ हमारा, ये हुआ गर्ल्स के लिए पानीपत और बॉयज़ का जो है अब हम हैदराबाद में करने जा रहे हैं। और इस जो पानीपत में जो ये ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें DAV पब्लिक स्कूल हमीरपुर की जो हमारे बच्चे हैं, छात्राएँ हैं, सारी की सारी लड़कियाँ, इन्होंने रिले रेस, जो लॉन्ग जंप और जो बाकी हमारी जो एथलेटिक्स हैं, इसमें बहुत अच्छा शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। मैं इस मौके पे यहाँ के प्रिंसिपल श्री विश्वास साहब, यहाँ के चेयरमैन श्री अनंत स्वरूप जी, यहाँ की मैनेजमेंट, इनके बच्चे जिन्होंने ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं, खास करके हमारी बेटियाँ, इनको, इनके पेरेंट्स को और यहाँ के पूरे स्टाफ को और बच्चों को, मैं यहाँ पर इनको तहे दिल से उनको एज ए मैनेजर ऑफ स्कूल मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये बच्चे आगे चलकर के बहुत बड़ा इस DAV हमीरपुर का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि इसमें से जो दो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्या नाम आपका, गंटूर में, तो वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करके आए हैं, वहाँ पे इनका सातवां स्थान रहा है। और जिस प्रकार यहाँ के जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं और जिस स्पिरिट के साथ ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि यहाँ के बच्चे जो हैं ये राष्ट्रीय पटल के ऊपर जूर छाएंगे। चेयरमैन आनंद स्वरूप ने कहा कि बच्चों ने स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन किया है और DAV हमीरपुर के इस उपलब्धि से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में DAV हमीरपुर के खिलाड़ी अपने विजय रथ को कायम रखने में मेहनत करेंगे। हमें बड़ा फख्र है DAV के बच्चों पे, होनहार ये होनहार बच्चे अपने स्कूल के लिए, अपने माता पिता के लिए एक लॉरेल्स लेके आए हैं। इन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और साथ में DAV मैनेजमेंट का नाम रोशन किया है। ये फख्र है हमें, ये हमें उम्मीद है कि आगे भी ये और आगे बढ़ेंगे, जो नेशनल लेवल तक इतने बड़े बड़े प्राइजेस लेके आए हैं, आगे और इससे भी आगे बढ़ेंगे और स्कूल के लिए और माँ बाप के लिए और अपने भविष्य के लिए उत्कृष्ट कार्य कर पाएंगे। इनको बहुत बहुत बधाई, इनके माता पिताजी को बधाई और स्कूल के प्रिंसिपल, कोच, बाकी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई।